हेलो एवं, तो फ्रेंड चले आज आपको मैं सीजी का जो बीएड का एक, आपको किस तरह बीएड को काउंसलिंग करना है स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इसका ऑफिशियली वेबसाइट का आपको लिंक इस तरह मिल जाएगा। तो आपको बीएड वाले पोर्शन पे जाना और यहाँ पे जो है लिंक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो बहुत इजी और केयरफुली आपको फिल करना है। आपको जैसे बीएड का काउंसलिंग जो है, देखिए 29 जुलाई से लेके जो है 7 अगस्त तक जो है फिल करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मेरा जो है बीएड का काउंसलिंग करके आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई करेंगे। जो न्यू बंदे रहेंगे ये राइट पोर्शन में देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे साफ सा कुछ मैसेज भी आते रहता है कि कोई भी अगर जो है त्रुटि सुधार अभ्यर्थी का नाम स्वयं कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप बिल्कुल जो है निःशुल्क इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे नियम और शर्तें दिए हुए हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है, उम्र है, सभी चीज़ जो है वो अच्छे से फिल कर सके। और किस तरह पेमेंट करना है वो पूरी जानकारी इसमें बताएगा। ऐसे मैं आपको वीडियो को एंड तक मैं पूरा फिल करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे पूछा है आप छत्तीसगढ़ के क्या निवासी हैं या नहीं, तो हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर देना है जिसमें आपका मैसेज और जो नंबर जो है आते रहता है, या चाहे तो आप वो वाला भी दे सकते हैं जैसे कि आपने बीएड के फॉर्म में भरा था। क्या है, पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ से ओपन हो जाता है। क्लिक करके आप ओटीपी मंगा लीजिए और ओटीपी से इसको वेरीफाई कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, ओटीपी से इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा आपके मोबाइल में ओटीपी आने में। केयरफुली ओटीपी को फिल करने के बाद में आपका जो है नेक्स्ट जो है ओपन हो जाएगा, सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे आपका प्री बीएड के लिए है तो आपको यहाँ पे बीएड का जो रोल नंबर है, आप जो है रिजल्ट आपको मिला होगा आप उसमें देख लीजिए। बीएड का रोल नंबर को यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल कर देना है। अब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो फिल कर लेते हैं। जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है मैं उसको फिल कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको आराम से वही डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपके जो एग्ज़ाम जो एडमिट कार्ड में लिखे हैं, जो भी जैसे भी है, जो आप वेरिफिकेशन करने जिस टाइम भी जाएंगे वो। और यहाँ पे आपको जो है एक आपका पासवर्ड सेट कर लेना है ताकि फ्यूचर में कभी भी जब इसको आप लॉगिन करेंगे तो इसी पासवर्ड के माध्यम से ओपन कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ईजी है, ईजिली तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है पासवर्ड बना लिया हूँ। अब उसके बाद में मैं सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद में मैं क्या करूंगा, देखिए रजिस्ट्रेशन आपका फर्स्ट प्रोसीजर जो रहता है ना वो आ गया। और ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको केयरफुली नोट करना, बहुत लोग जो है नहीं कर पाते हैं और गुम जाते हैं। तो आपको ये जो बी एड रेड में लिखा ना BED 2200 इस टाइप का आपको इसको सेव कर लेना है या कहीं नोट करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आईडी। उसके बाद में इसको नोट कर लीजिए या कॉपी करके यहीं पे क्लिक टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये पंजीयन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा उसी आईडी को, और आपने जो पासवर्ड सेट किया उस पासवर्ड को यहाँ पे एंटर कर दीजिए। और नीचे में देखिए, ठीक है, मैं जो भी पासवर्ड बनाया उसको मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। और उसके बाद में कैप्चा कोड को फिल कर लेता हूँ। मैं कैप्चा कोड फिल करने के बाद लॉगिन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह आपका इन्फॉर्मेशन जो है आपका ओपन हो जाएगा। सेव कर लीजिए ताकि आपके यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है आवेदा अपने आवेदक जो अपनी सुविधा के अनुसार जो जो प्री बीएड का टेस्ट दिया उसमें उसके टोटल अंकों के आधार पे ही जो आपको काउंसलिंग होगा और उसी के बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगा कॉलेज में, ठीक है, किस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है। तो इसको सही सही भरना है। अगर आप जो है STSC OBC से आते हैं तो आपके पास जो है OBC सर्टिफिकेट STSC सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, इसके बिना आपका जो है कोई काम का नहीं रहेगा। तो नियम और शर्तें को केयरफुली फिल करना पढ़ने के बाद में आपको जो है याद रखना है, सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है, ठीक है, क्योंकि अभी ये बहुत ज़रूरी है। छात्र अपने आवेदन को स्वयं जो है अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद महाविद्यालय जो भी कॉलेज का चयन करना है वो स्पष्ट रूप से चयन करे सही तरीके से। तो यहाँ पे आप जो है एक्सेप्ट करने से पहले ऊपर में जो जो दिया है वो चीज़ पढ़ सकते हैं, जैसे कि हिंदी सर्टिफिकेट फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ लगेगा, जितने भी STSC OBC सर्टिफिकेट जितने सभी चीज़ है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया रहता। तो आप इसको एक चीज़ अच्छे से पढ़ लीजिए और कौन कौन सी क्या है इंस्टीट्यूट में सीट में कहाँ कहाँ पे क्या है पूरा आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आई एक्सेप्ट क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह आपके पास जो है वो ओपन होगा। तो थोड़ा नेट अच्छा रखिए ताकि जल्दी ओपन फील होगा। तो आपने जैसे ही बीएड में जो जो रोल नंबर के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन दिए थे ना, तो वो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रोल नंबर के अकॉर्डिंग में आ जाता है। तो कुछ कुछ ही बस आपको फिल करना रहेगा, जैसे यहाँ पे आपका मदर का नेम फिल कर लीजिए, ठीक है। तो आपने जो बीएड का जो दिया था ना रोल नंबर उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ला देगा वो।
तो आप अपनी मदर का नेम डाल दीजिए और आपका ईमेल आईडी जो चीज़ है वो डाल देना है, ताकि कोई भी फ्यूचर में कभी भी ईमेल में आपका जो है करेक्शन करना हो, कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस डालना है जो आपका एड्रेस है। तो मैं जल्दी से एड्रेस को फिल कर लेता हूँ यहाँ पे। फिर छत्तीसगढ़ और जिस डिस्ट्रिक्ट से और उसका पिन कोड यहाँ पे डाल के आपको एक बार चेक कर लेना है वही इन्फॉर्मेशन सही सही दिए हो या नहीं, बाकी तो आपका ऑटोमेटिक आ जाता है। रोल नंबर जो डाले होंगे उसमें फिल करने के बाद में आपको सेव और कंटिन्यू नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ अपडेट दे रहा है, नो थैंक्स कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन देखो, अधिकतर जो बीएड का जो काउंसलिंग होता है वो ग्रेजुएशन के बेस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का आपको क्या देना है, इन्फॉर्मेशन देना है यहाँ पे। तो आपका रोल नंबर और आपने कितना ऑब्टेन किया और कितना रैंक है यहाँ पे आपको शो कर दिया बीएड का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का इन्फॉर्मेशन देना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से है, कब पास आउट हुए हो। तो इसको मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद में देखिए पूरे दो है, उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन में कितने कितने आए हैं, कौन से कॉलेज का है, मतलब इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इंजीनियरिंग वाले जो है फोर्थ ईयर होते हैं तो फोर्थ का भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई पीजी किया उसका भी इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। तो यहाँ पे आपको टोटल ग्रेजुएशन का परसेंटेज पता चल जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आपको यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा, ठीक है। तो आपने जो जो इन्फॉर्मेशन दिया परसेंटेज टोटल ओवरऑल दिख जाएगा। पहले जो है परसेंटेज बेस पे मेरिट लिस्ट बनता था, अब जो है आपको बीएड के पे बनेगा। तो ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन देने के बाद में आपको सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे बीएड में आपने जो फोटो दिया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, नहीं तो बाकी ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया है तो आपको कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पे आप जो है सेव एस करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। सेव एस नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे तो आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट प्रोसीजर में पेमेंट करने दिया जाएगा। देखो पेमेंट के लिए बहुत सारा है, आप कोई भी चीज़ जो है गेटवे चॉइस कर सकते हैं। तो सबसे सुरक्षित जो है SBI का गेटवे होता है, तो मैं SBI का गेटवे को चॉइस कर लेता हूँ, सेकंड वाला है बीच का। तो आप इसमें से कोई भी गेटवे चॉइस कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो मैं SBI का गेटवे को चॉइस कर लेता हूँ और कैप्चा कोड को मैं फिल कर लेता हूँ। तो देखिए 350 रुपये आपको फीस लग रहा है फ्रेंड काउंसलिंग करने के लिए, ठीक है। एवरी काउंसलिंग अभी फर्स्ट फेज है काउंसलिंग का, तो हर बार फेज आपको काउंसलिंग करने के लिए 350 रुपये देना पड़ेगा। तो 350 रुपये मैं यहाँ पे कर देता हूँ पहले मेक अ पेमेंट। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे आपको गेटवे ओपन हो जाएगा। गेटवे ओपन हो जाने के बाद में आप चाहे तो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम UPI, NFT, SBI ब्रांच पेमेंट कोई भी कर सकते हैं। तो सबसे आज के हम सुरक्षित है भीम UPI। भीम UPI में अपना UPI ID नंबर डाल दीजिए, बहुत ही ईजी है ना। जो भी UPI ID वो फिल करने के बाद में आप जो है यहाँ पे 9 मिनट का आपको टाइमिंग रहेगा। आपके मोबाइल पे, फ़ोन पे, गूगल पे, किसी भी एक टॉप पॉपअप का एसमेस जाएगा, वहाँ से आपको सक्सेसफुली पेमेंट कर देना है। पेमेंट जैसे ही आपको वॉलेट में, जैसे आपके अकाउंट से जैसे कट जाएगा तो आपको जब यहाँ पे रोकना है, कुछ रिफ्रेश नहीं करना, कुछ भी चीज़ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली अप्रूवल हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद में फिर आपका ऑटोमेटिक जो है वो वेबसाइट में ले जाएगा। इसलिए इसको पूरा प्रोसेस को 9 मिनट के अंदर में करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप छोड़ दिए हैं। पेमेंट सक्सेस होने के बाद में नेट अच्छा रहेगा ना, तो ऑटोमेटिक बहुत जल्दी फास्ट होगा और आपके वेबसाइट में देखिए सक्सेस हो गया मेरा पेमेंट। तो ये देखिए आपका सक्सेस हो गया ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर लिख लें यूर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ डन सक्सेसफुल। अब आपको गो एप्लीकेशन में जाने बोल रहा है, या आप चाहे तो डैशबोर्ड में भी जा सकते हैं पुराने में। आपका पेमेंट सक्सेसफुली भुगतान हो चुका है 350 रुपये। तो अब यहाँ से आपको मल्टीपल कॉलेज चॉइस करने के लिए गो टू एप्लीकेशन में जाने बोल रहे हैं। तो मैं गो टू एप्लीकेशन में गया। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे कॉलेज चॉइस करने का ऑप्शन दिया है, 10 कॉलेज चॉइस कर सकते हैं दिया है, लेकिन इसके अलावा भी आप बहुत सारे कॉलेजों का चॉइस कर सकते हैं। तो मैं जो है जितना हो सकता है मैं अपने आसपास के कॉलेजों को जिसमें मैं एडमिशन लेना चाहूँगा उसका काउंसलिंग के लिए मैं नाम डाल देता हूँ। यहाँ ये सीट है, आप देख लेंगे कि कितना कहाँ कहाँ पे सीट है। इसका फॉर्मेट जो है आपको मिल जाएगा इसके वेबसाइट में भी और डिस्क्रिप्शन पे भी। तो मैं सारे कॉलेजों का इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे फिल कर लेता हूँ जल्दी से, उसके बाद आगे नेक्स्ट करते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन मैं फिल कर लेता हूँ। जितना मुझे कॉलेज चॉइस करना था मैं सभी कॉलेज जो है लगभग 15 कॉलेजों का चॉइस कर लिया हूँ। मैं आई एग्री करके मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। एक बार एक और कॉलेज मैं चॉइस कर लेता हूँ जो मुझे लग रहा है कि मुझे वो कॉलेज चॉइस करना चाहिए। तो आप कॉलेज चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा कॉलेज है। मुझे जो है थोड़ा दूर का एक भूल गया था मैं,
तो मैं चॉइस कर लिया हूँ उसको। उसके बाद में आप जो है आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो अब सक्सेसफुली आपको सबमिटेड हो गया बोल रहा है। आपको मेरिट लिस्ट के लिए वेट करना है कि आपका सिलेक्शन कौन से कॉलेज में हुआ है, किस रैंक के आधार पर आपका कॉलेज मिला। यहाँ से अपना एप्लीकेशन को प्रिंट कर लीजिए, बहुत ईजी है, देख सकते हैं। चाहे आप इसको मोबाइल से फिल कर सकते हैं या चाहे तो आप पीसी लैपटॉप किसी से भी। तो आपने जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है ये यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया। इसको जो है प्रिंट आउट करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी एप्लीकेशन जब आप काउंसलिंग गए तो बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए केयरफुली इसको संभाल के रखना है, फ्यूचर में ये काम आएगा ही एप्लीकेशन, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिख गया। अब लॉगिन करेंगे तो यहाँ से आप कभी भी पेमेंट ले सकते हैं। पेमेंट मतलब पेमेंट का जो प्रिंट एप्लीकेशन या पेमेंट रिसिप्ट, आप कोई भी चीज़ जो है, देखिए मैंने 16 कॉलेज जो है चॉइस किया करके पूरा ये दिख रहा है। तो आप अपने हिसाब से जितना कॉलेज चॉइस करना चाहें कर सकते हैं। तो आई होप जो है आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को।